जय श्री गणेश। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान की कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अद्भुत रहस्यमय हनुमान चालीसा में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिससे आप भी अनजान हो, आपका हर काम सिद्ध कर सकती है हनुमान चालीसा। तो आइए जानते हैं उन रहस्य को। दोस्तों अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इस छंद का जाप करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरेहु कलेश विकार। नंबर दो, अगर आपको भूत प्रेत से भय है तो जाप करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नंबर तीन, अगर आपको किसी भी कार्य में जल्दी सफलता चाहिए तो जाप करें, भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। नंबर चार, अगर आपको किसी भी तरह की शारीरिक संकट या मानसिक संकट या फिर प्राणों पर संकट आया हो तो ये पंक्ति रोजाना पढ़े, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। नंबर पाँच, अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो जाप करे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, और इनकी जाप से आपका जीवन सुखियों से भर जाएगा। और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली लिखना मत भूलिएगा। वैसे तो कलयुग में चमत्कार कम ही होते हैं, लेकिन फरीदाबाद की त्यागी मार्केट में रहने वाले राहुल स्वामी के सपने में एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं आए और कहे, मैं तुम्हारे पड़ोसी के घर के नीचे हूँ, मुझे तुरंत वहाँ से निकाल लो। लेकिन राहुल को लगा ये तो एक सपना है, और ये सपना एक साल तक राहुल को आने लगा। लेकिन एक बार राहुल ने सपने में ही भगवान को पूछा, हे भगवान, मैं पड़ोसी के घर में कैसे खुदाई कर सकता हूँ, आप मेरे घर में आ जाइए, मैं आपको निकाल लूंगा। और एक बार वही सपना राहुल को वापस आने लगा, लेकिन इस बार भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर के नीचे आ चुका हूँ, जल्दी से मुझे निकाल लो। लेकिन जब सुबह हुई तब घर के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे जो कि मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी से ही खुदाई का काम राहुल ने चालू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद जमीन के अंदर देखते हैं तो क्या, जमीन के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखी, और इस चमत्कार ने सभी लोगों को हैरान कर दिया था। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो एक व्यक्ति के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग नदी के पानी में कुछ खोज रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने आसमानों की तरफ देखा तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। Paano na to? Wala na kaming daanan. Paano kami lalabas dito? Dito na lang. Paano na to? Ang ganda ng panahon. Ayun ang pool. Natanggal na yung tubig. Uy, ayan ang mata. Mukhang mata to ah. Teka, parang may nakita akong may tattoo ah. जब उन्होंने आसमानों की ओर देखा तभी उन्हें एक आंखें दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थी। और ये देखकर कई सारे लोगों ने ये कहा कि भगवान हमें आसमानों से देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये क्लाउड फेनोमिना है। और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो 2019 में रिकॉर्ड किया गया था, 3 साल पहले व्हाटएवर यू वांट के चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया गया था। और इस वीडियो में ये था कि एक बच्चा जो कि भगवान गणेश जैसा दिख रहा था, और इसी कारण के चलते ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो गया। और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक मूर्ति है, और इसे इसी तरह बनाया गया है जिसे देखने पर ऐसा लगा है कि ये एक असली है। और कुछ ऐसे महान लोग हैं जो इस मूर्तियों को एडिटिंग करने के बाद असली जैसा बना देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप गणेश भगवान जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो घृष्णेश्वर महादेव जी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था जो कि वेरुल में मौजूद है, और ये शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई पुजारी वहाँ पर बैठकर भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और ये रहा उस वीडियो का एक छोटी सी क्लिप। और
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूजा करते वक्त वहाँ पर रखा हुआ गुलाब का फूल नीचे गिर जाता है और इसे नीचे गिरता हुआ देख वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिरों में अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और हाँ, भगवान को जानने के लिए सबूतों की नहीं सच्ची आस्था और दिल चाहिए।